महत को कहा गया है, जब मनवंतर शुरू होता है तो जो मूल प्रकृति और ब्रह्म का जो पहला प्रोडक्ट होता है जिसको हम महत कहते हैं, और वही सबसे बड़ा ईश्वर होगा, महेश्वर होगा पूरे ब्रह्मांड का, उसी को हम ब्रह्मा कहेंगे। तो जितना माइंड, जितना इंटेलेक्ट होगा जो परब्रह्म के डिवाइन प्लान में है, जो कॉन्शसनेस सबकी कॉन्शसनेस होगी, उसी से सारा माइंड डेवलप होगा, इसी को सबसे बड़ा माइंड बना गया। और जो हमारे मनुष्य के इंडिविजुअल माइंड है वो हमेशा उससे जुड़े रहते हैं, इसलिए जो हमारे खराब और अच्छे विचार होते हैं उस महत्व को भी प्रभावित करते हैं, उसका भी महत्व विकास हो रहा है। तो मनुष्य को खाली इतनी क्षमता है, वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंस से सोच सकता है, थोड़ा सा, ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, बट फाइनली हमेशा उससे कनेक्ट रहे, और इसलिए अंत में उसी के लाइन में आना पड़ेगा उसको भी, जब परफेक्ट होने के बाद में, तो उसको महत्व कहा गया।